संविधान की अनुक्रमणिका। तो देखिए, भाग एक जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करता है, भाग दो जो है वो नागरिकता के बारे में, भाग तीन जो है वो मूलभूत अधिकार के बारे में, भाग चार राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग चार का मूल कर्तव्य के बारे में, भाग पांच संघ के बारे में जिसमें अध्याय एक कार्यपालिका, अध्याय दो संसद के बारे में, अध्याय तीन राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, अध्याय चार संघ की न्यायपालिका और अध्याय पांच भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार के बारे में उपबंध करता है। भाग छह जो है वो राज्य के बारे में जिसमें अध्याय एक सामान्य है, अध्याय दो कार्यपालिका के बारे में, अध्याय तीन राज्य विधानमंडल के बारे में, अध्याय चार राज्य के विधायी अधिकार, राज्यपाल के विधायी अधिकार, और अध्याय पांच जो है राज्यों के उच्च न्यायालय, और अध्याय छह जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उपबंध करता है, और भाग सात जो है वो प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य के बारे में उपबंध करता है, भाग आठ जो है संघ राज्य क्षेत्र, भाग नौ जो है वो पंचायत के बारे में, भाग 9A नगर पालिकाओं के बारे में, और भाग 9B जो है सरकारी सहकारी सोसाइटियों के बारे में, भाग 10 जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, भाग 11 जो है संघ और राज्यों के विधायी संबंध जिसमें अध्याय एक जो है वो विधायी संबंध के बारे में, अध्याय दो प्रशासनिक संबंध, और भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में, अध्याय एक जो है वो वित्त, अध्याय दो जो है वो उधार, अध्याय तीन जो है वो संपत्ति संविदाएं अधिकार देयता बाध्याएं बाध्यताएं और वाद के बारे में, अध्याय चार जो है संपत्ति का अधिकार, भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में, अध्याय 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में जिसमें दो अध्याय हैं, अध्याय एक है सेवाएं और अध्याय दो जो है वो लोक सेवा आयोग, और अध्याय 14 का जो है वो अधिकरण के बारे में, और भाग पांच जो है वो निर्वाचन के बारे में, भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में, और भाग 17 जो है वो राजभाषा के बारे में जिसमें अध्याय एक है संघ की राजभाषा, अध्याय दो है क्षेत्रीय भाषाएं, और अध्याय तीन है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की आदि की जो भाषा के बारे में उपबंध करता है, अध्याय चार विशेष निर्देश है, भाग 18 आपात उपबंध के बारे में, भाग 19 प्रकीर्ण के बारे में, भाग 20 संविधान के संशोधन के बारे में, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में, और भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में उपबंध करता है। अब देखते हैं अनुसूचियां। तो अनुसूचियों में पहली अनुसूची जो है वो पहला जो है राज्य के बारे में, और दूसरा जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करता है। दूसरी अनुसूची में भाग का जो है वो राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध करता है, भाग ख निरसित है। भाग ग जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध करता है। भाग ग घ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध करता है। भाग अंग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध करता है। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, और पांचवी अनुसूची जो है वो उपबंध करती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। भाग क साधारण है, भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, भाग क जो है अनुसूचित क्षेत्र, और भाग घ अनुसूची का संशोधन। छठी अनुसूची
में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची और सूची 3 में समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व हैं। तो देखते हैं भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद एक उपबंध करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद दो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, दो का निरसित है, अनुच्छेद तीन नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में और नामों में परिवर्तन के बारे में उपबंध करता है, अनुच्छेद चार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में उपबंध करता है। अब देखिए भाग दो नागरिकता के बारे में उपबंध करता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार और अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार और अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना और अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना और अनुच्छेद 11 जो है वो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। अब देखते हैं भाग तीन जो मूल अधिकार के बारे में उपबंध करता है। तो साधारण जो है वो अनुच्छेद 12 और 13, तो 12 में परिभाषा दी गई है राज्य की और 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। समता का अधिकार जो है इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 हैं। तो इसमें अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के बारे में उपबंध करता है। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 हैं, जिसमें अनुच्छेद 21 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 हैं। अनुच्छेद 23 में मानव और दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध के बारे में उपबंध है और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में उपबंध है। आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध करता है। धारा 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता और धारा अनुच्छेद 28 कुल शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में उपबंध करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार और अनुच्छेद 31 निरसित है। इसी क्रम में सांवैधानिक
उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार धारा 32A निरसित है। धारा 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन और अनुच्छेद 35 जो है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। अब देखिए भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में उपबंध करता है। धारा 36 जो है वो परिभाषा बताता है और इसमें यह बताया गया है कि राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में दी गई है जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। धारा 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43B सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48B पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब देखिए भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य 51A मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ए संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। सी भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण बनाए रखे। डी देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ई भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। एफ हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जी प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। एच वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। आई सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। के यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक। अब देखिए भाग 5 संघ। तो अध्याय 1 कार्यपालिका का
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 23 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, धारा 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषयक, अनुच्छेद 72 क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद, 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, भारत का अन्य उपबंध अब देखेंगे, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 संसद साधारण, अनुच्छेद 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 संसद के सदनों की अवधि, 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, 86 सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, संसद के अधिकार, 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, 98 संसद का सचिवालय,
अब यहां पे देखिए कार्य संचालन, यहां पे अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति सदस्यों की निर्हरताएं। तो ये सदस्यों की निर्हरताएं जो हैं वो आपको 100 अनुच्छेद 101 से चालू होंगे। तो 101 में स्थानों का रिक्त होना, 102 जो है वो सदस्यता के लिए निर्हरताएं, 103 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अब ये संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। तो यहां पे अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब इसके बाद विधायी प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 107, तो विधायकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और 111 विधेयकों पर अनुमति। अब यहां से जो वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 में संसद के प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, 114 में विनियोग विधेयक, 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 116 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान, 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब ये साधारणतया प्रक्रिया जो है, इसमें देखिए 118 में प्रक्रिया के नियम, 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विधि द्वारा विनियमन, 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, और अध्याय 3 जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो इसमें 123 अनुच्छेद संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, धारा 131 ए निरसित है, 132 132 कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 133 में उच्च न्यायालयों में सिविल मामलों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 134 से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, 136
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, धारा अनुच्छेद 139A कुछ मामलों का अंतरण, 140 उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां, 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होना, तो इसको मार्क करके रखिएगा, 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसको भी मार्क करिएगा, 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, एक अनुच्छेद 144 जो है वो निरसित है, न्यायालय के नियम आदि, और 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, 147 में निर्वचन, और अध्याय 5 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 जो है वो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 149 अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप, 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग 6, तो ये राज्य के बारे में उपबंध करता है, अध्याय 1 जो है वो साधारण है, इसमें अनुच्छेद 152 परिभाषा देता है। तो अध्याय 2 जो है वो कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में, तो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्य की नियुक्ति, 156 राज्य की राज्यपाल की पदावधि, 157 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ये 157 में अहर्ताएं हैं। और 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 149 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, 162 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उसके बाद मंत्री परिषद है जिसमें 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अब उसके बाद देखिए ये एक अलग पार्ट है राज्य का महाअधिवक्ता, तो 165 जो है वो राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है, और ये एक पार्ट है सरकारी कार्य का संचालन, तो इसमें धारा 166 अनुच्छेद 166 और 167 है, तो इसमें राज्य की सरकार के कार्य का संचालन और राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उपबंध किया गया है। अब देखिए अध्याय 3 जो है वो राज्य का विधानमंडल, तो ये साधारण जो भाग है उसमें आप देखिए अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन, 169 में राज्य के विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, 170 में विधानसभाओं की संरचना, 171 में विधान परिषदों की संरचना, 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्य के लिए अहर्ता, और 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में उपबंध किया गया है। जो है
वो सदन और सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अब इसके बाद ये जो पार्ट है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, ये एक पार्ट है। तो 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 169 में है आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, और 180 में है आपके अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, 181 में है आप जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 182 जो है वो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, 183 जो है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना से संबंधित है। अनुच्छेद 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अब यहाँ ये वाला पार्ट कार्य संचालन जो है ये अलग पार्ट है, 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्यों, सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अब उसके बाद ये वाला पार्ट सदस्यों की निर्हरताएं, तो 190 में स्थानों का रिक्त होना, 191 में सदस्यता के लिए निर्हरताएं, 192 में सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए भी निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अब यहाँ से जो पाठ है वो अलग है आपका, कि राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। तो 194 जो है वो विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, और 195 जो है वो सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब इसके बाद ये देखिए विधायी प्रक्रिया वाला खंड अलग है, 196 जो है वो विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, और 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष प्रक्रिया, 191 में धन विधेयक की परिभाषा, 200 में विधेयकों पर अनुमति, 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अब ये पार्ट जो है कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, तो 202 देखिए कि वार्षिक वित्तीय विवरण, 203 है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, 204 विनियोग विधेयक, 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में उपबंध है। अब इसके बाद अनुच्छेद 207 जो है वो वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। अब ये साधारणतया प्रक्रिया वाला खंड अलग है, 208 में प्रक्रिया के नियम, 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, 210 जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 211 में विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन, 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, और अध्याय जो 4 है वो राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में उपबंध करता है, जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 213 की विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब देखिए अध्याय 5, ये राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में उपबंध करता है,
214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 216 उच्च न्यायालयों का गठन, 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना, 219 जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 220 जो है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, 221 जो है न्यायाधीशों के वेतन आदि, 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, 224A उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। दो सौ छब्बीस कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, 226 से निरसित है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, 228A निरसित है। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, 230 जो है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, और 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, और 232 अनुच्छेद 232 जो है वो निरसित है। अब देखिए अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, तो 233 जो है वो जिला न्यायालयों की जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। 233 है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण, 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, 236 निर्वचन के बारे में उपबंध करता है, अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अब उसके बाद भाग 7 जो है प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, तो ये निरसित है 238 जो अनुच्छेद है। अब देखिए संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 229 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, 239A कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन, 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, 239AB सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, 239B विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 242 जो है वो निरसित है। अगला भाग है भाग 9, 243 परिभाषाएं, 243 ए ग्राम सभा, 243 बी पंचायतों का गठन, 243 सी पंचायतों की संरचना, 243 डी स्थानों का आरक्षण, 243 ई पंचायतों की अवधि, 243 एफ सदस्यता के लिए निर्हरताएं, 243 जी पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9A नगर पालिकाएं, 243 पी परिभाषाएं, 243 की नगर पालिकाओं का क्यू नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना, 243 एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, 243 टी स्थानों का आरक्षण, 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि, 243 वी सदस्यता के लिए निर्हरताएं, 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि
की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 एक्स, नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, 243 वाई वित्त आयोग, 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 जेड जी जिला योजना के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति, 243 जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब उसके बाद देखते हैं पार्ट 9 बी सहकारी सोसाइटियां। तो 243 जेड एच में परिभाषा है, 243 जेड आई में सहकारी सोसाइटियों का निगमन, 243 जेड जे में बोर्डों के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि, 243 जेड के में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, 243 जेड एल में बोर्डों का अधिक्रमण और निलंबन और अंतरिम प्रबंध, 243 जेड एम में सहकारी सोसाइटियों के लेखों की संपरीक्षा, 243 जेड एन में साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना, 243 जेड ओ सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार, 243 जेड पी विवरणियां, 243 जेड क्यू अपराध और शास्तियां, 243 जेड आर बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना, 243 जेड एस संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 जेड टी विद्यमान विधियों को लागू होना। तो ये था भाग 9 खा सहकारी सोसाइटियां जेड 243 जेड टी तक। अब देखिए भाग 10 जो है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 244 ए में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो अध्याय 1 जो है वो विधायी संबंध बताता है, तो विधायी शक्तियों का वितरण एक ये पार्ट है। 245 है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, 246 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां, 249 में राज्य सूची में के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि, 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से किसी से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, 253 जो है वो अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, और 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को पूरा प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध साधारण है, तो ये 256 बोलता है कि राज्यों की ओर संघ की बाध्यता, 257 कुछ राज्यों के में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, 257 ए निरसित है, 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, 258 ए संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति,
59 जो है वो निरसित है, 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। अब उसके बाद एक ये पार्ट है आपका जल संबंधी विवाद, तो ये है आपका 262 की अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, और एक पार्ट है कि राज्यों के बीच समन्वय। तो 263 जो है, अनुच्छेद 263, वो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करती है। भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के संबंध में है। अध्याय 1 जो है वो वित्त के संबंध में है और ये साधारण भाग है। 264 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, 266 में भारत और राज्यों से संचित निधियां और लोक लेखे, 267 में आकस्मिकता निधि संघ आकस्मिकता निधि, और उसके बाद है आपका ये तो पाठ है संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण से संबंधित। 268 में देखिए, संघ द्वारा उद्धृत उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और नियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269 में संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण। 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 272 निरसित है। 272 उसके बाद 273 जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 में कुछ राज्यों को संघ अनुदान। 276 में वित्तीय व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर। 277 में व्यावृत्ति। 278 निरसित है। 269 में शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 में वित्त आयोग। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। उसके बाद ये पार्ट है आपका प्रकीर्ण वित्तीय संबंध के बारे में। 282 अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। 283 में जो 283 में संचित निधियों आकस्मिकताओं निधियों और लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 जो है वो संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट के बारे में उपबंध करती है। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। 287 जो है विद्युत पर करों से छूट। 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। 289 जो है राज्यों की संपत्ति और राज आय की संघ और कराधान से छूट के संबंध में। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 ए कुछ देवस्थम निधियों की वार्षिक संदाय, और 291 जो है वो निरसित है। अध्याय 2 उधार लेना। अनुच्छेद 292 सरकार भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 जो है संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व तो बाध्यताएं और वाद। 294 कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297
राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना, 298 व्यापार करने आदि की शक्ति, 299 संविधाएं और 300 वाद एवं कार्यवाहियां। तो ये दो अनुच्छेद स्पेशली याद रखिएगा आप लोग। अध्याय चार जो है वो संपत्ति का अधिकार, तो 300A जो अनुच्छेद है, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना के बारे में उपबंध करता है। अब देखिए भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम। तो 301 भारत व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, 304 में राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, 305 में विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियां की व्यावृत्ति, 306 निरसित है, 307 जो है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में उपबंध करता है। अब भाग 14 देखते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो अध्याय एक सेवाओं में 308 निर्वचन, 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 312A कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहरित करने की संसद की शक्ति, 313 संक्रमण कालीन उपबंध और 314 जो है अनुच्छेद वो निरसित है। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग, 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति, 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य, 321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की संसद की शक्ति, 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय और 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 का अधिकरण, 323A में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में और 323B में अन्य विषयों के लिए अभिकरण के बारे में उपबंध किया गया है। अब देखते हैं भाग 15 निर्वाचन। तो यहां देखिए अनुच्छेद 323 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, 325 धर्म मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना, 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन और 329A निरसित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना, 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, 336 में कुछ दशाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 339 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, और 341 में अनुसूचित जातियां, और 342 में अनुसूचित जनजातियां। तो यहां आप देखेंगे ये 60 वर्ष की जगह 70 वर्ष हो चुका है संशोधन द्वारा, और यहां पे 342 ए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। देखिए भाग 17 राजभाषा, तो अध्याय एक जो है संघ की भाषा, 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, अध्याय दो जो है वो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में उपबंध करता है, 345 जो है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, 347 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा, 347 यहाँ पे करेक्शन है, 347 में ये रिपीट हो गया है, यहाँ पे है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये आप क्रॉस कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब अध्याय तीन जो है वो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, तो 348 जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 349 जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियों, विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। अध्याय चार जो है विशेष निदेश है, अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, और 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध, तो 352 में आपात की उद्घोषणा, 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, 354 में जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, और 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, और 357 में है आपका अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग, और 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के
प्रवर्तन का निलंबन, 349 में ये निरसित है, 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। अब देखिए भाग 19 प्रकीर्ण के बारे में उपबंध करता है, तो 361 जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में, 361 ए संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण, 361 बी में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता, 362 जो है वो निरसित है, 363 में कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, और 363 ए देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत के बारे में उपबंध करता है, 364 जो है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, 366 में परिभाषाएं दी गई हैं और 367 में निर्वचन है। अब देखते हैं धारा 20, ये संविधान के संशोधन के बारे में उपबंध करता है, इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है 368 जो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में उपबंध करता है। अब देखिए धारा भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। 370 यह जम्मू कश्मीर और राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, तो ये आप हटा दीजिएगा। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 बी असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 डी आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, 371 एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 जी मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तीन सौ इकहत्तर आई गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपवन, 371 जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपवन, 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन, 372 ए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध, 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना, 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में विशेष उपबंध, 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध, 378 ए आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। तीन सौ 379 से 391 तक निरसित, 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आगे देखते हैं भाग 22 जो अंतिम भाग है भारत के संविधान का,
संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393 संक्षिप्त नाम 394 प्रारंभ 394 ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और 395 निरसन के बारे में उपबंध करता है। धन्यवाद।